जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोगों का मैथ बूस्टर सीरीज में नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट हम लोग आज देखने वाले हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से किस किस टाइप का सवाल आया है, इसके साथ साथ और बहुत सारा कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। देखो बहुत अच्छा अच्छा सवाल पूछा गया है, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान आसान सवाल पूछा गया है। अगर आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में जानकारी है तो आप आसानी से सवालों का उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम लोग हर बार की तरह बेसिकली तीन चार कंसेप्ट पे सवाल देखने वाले हैं। हर एक टाइप के सवाल हम आपको बता रहे हैं, अपने से नहीं बता रहे, जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। आप कोई भी सेट लगा रहे होंगे, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा सेट लगाते हैं, किसका सेट लगाते हैं, कौन सा बुक से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिएगा हम जो सवाल आपको बताएंगे वो सारा का सारा सवाल वहाँ पे रहेगा। तो इसीलिए हम लोग बोले कि अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि एकदम सटीक वे में हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो आपका बहुत बड़ा टेंशन खत्म हो गया, बस आपको सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो करना है और शेयर मारना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको इस सीरीज से पता चलेगा कि कहाँ पे आपका कमजोरी है, आपका कौन सा वीक पॉइंट है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट मैथ भी तो पढ़ लेंगे। देखो बात वही है ना, कंप्लीट मैथ आपको यहाँ पे मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गोल्डन क्वेश्चन बोला जाता है। और आप देखेंगे कि इन्हीं सब सवालों के जैसा ही आपके एग्जाम में फिर से सवाल आएगा। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, कोई भी एग्जाम हो, सबका सवाल हम लोग देख रहे हैं। और सिर्फ रेलवे ही नहीं भाई, एसएससी में जो सवाल आया है वो भी देख रहे हैं। तो भाई तभी तो इसका नाम दिए मैथ बूस्टर 2018 से 2024 तक जो भी सवाल आया है अभी तक टिल डेट, जो सवाल आपका अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, एकदम एकदम वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए मैथ बूस्टर सीरीज। तो ना अभी हम लोग दो लेक्चर देख चुके हैं, तीसरा है ये, बाकी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। बाकी का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देखिए शुरुआत से, बहुत मज़ा आएगा, एकदम आनंद आएगा, आनंद से मन भर जाएगा, भूख नहीं लगेगा आपको, आपका ना भूख दूर हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भूख है वो दूर हो जाएगा। और आप एक चीज़ देखिएगा, आप जब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं ना तो इन्हीं सब सवालों को मॉडिफाई करके डाल दिया जाता है वहाँ, तो वो भी आपको वहाँ भी आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो लोग कोर्स में इनरोल है और वो ये सीरीज देख रहे हैं, उनके लिए तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो जो चैप्टर वहाँ पे पढ़ा दिए हैं उन्हीं उन्हीं चैप्टर से हम अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाते जा रहे हैं। तो भाई आपके लिए तो मौजा ही मौजा है, बात समझ रहे हैं ना, आपके लिए एकदम दोनों हाथ में क्या कहते हैं उसको, दोनों हाथ में लड्डू है। एक बार आप कंसेप्चुअली पढ़ लिए, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ आप जो है कायदे से एक आध टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा, सप्ताह में एक या महीना में दो तीन चार, ऐसे करके आपका तैयारी बिल्कुल अच्छे लेवल का हो जाएगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर किन्हीं को कम्प्लीटली मैथ पढ़ना है, मैथ अर्थमेटिक प्लस एडवांस सिर्फ 299 का है। अगर आपको मैथ रीजनिंग और साइंस चाहिए तो ये 499 का है, साइंस बाय अभिषेक सर, ठीक है। और अभिषेक सर भी अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं आपको, आप देखिए तो सही जाके, उनका बैच का नाम है शायद साइंस मुक्ति बैच, मुक्त करवा देंगे आपको साइंस के टेंशन से। तो आप कंप्लीट फॉलो कीजिए ना, और है क्या, रेलवे का जान ही तो है मैथ साइंस और रीजनिंग, बस रेलवे का जान क्या है, मैथ साइंस और रीजनिंग, और इन्हीं तीन चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। रीजनिंग का क्लास ला के अभी आपको नहीं मिल रहा, मिलेगा बहुत जल्दी,
ठीक है। तो कंप्लीट मैथ 299 का, मैथ रीजनिंग और साइंस 499 का है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले, जो भी वीडियो का लिंक है वहां भी डाला गया है। और ये आपको अगर कोर्स परचेज करना है तो भाई ये हम लोगों का ऐप है, फोकस स्टडी विथ अभी, फोकस स्टडी विथ अभी। चाहे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो टेलीग्राम में भी लिंक दिया गया है आप वहां से भी डाउनलोड कर लीजिए। और अगर कुछ और अगर आप आपके मन में कोई भी शंका है तो समाधान के लिए नंबर भी दिया गया है, आप उस पर फोन लगाइए और पूछिए सर ये डाउट है कैसे सोल्व होगा, तुरंत आपको जवाब वहां से मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो खास बात है वो रेशनल नंबर से बहुत ज्यादा सवाल पूछा गया है, तो पहले तो इन सब सवालों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग और सारे कंसेप्चुअल सवालों को भी देखेंगे। तो एक उम्मीद ये है कि आप लोग कंप्लीट लेक्चर को देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर मारिएगा। आप फिर से आपको हम एक बार समझा दे रहे हैं, अल्टीमेट फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। और आपको करना क्या है भाई, आप वेब सीरीज में टाइम देते हो, आप शॉर्ट्स में टाइम देते हो, आप रील्स देखते हो, भाई वहां टाइम मत दो, यहां टाइम दो। यहां से आपका 4-6 नंबर बढ़ जाएगा और शॉर्ट्स और रील देखने से आपका नंबर घट जाएगा, तो भाई यहां पे टाइम दो ना। आपको यहां पे कंप्लीट मैथ का PYQ मिल रहा है, आगे जाके साइंस का मिलेगा, रीजनिंग का मिलेगा, तो और आपको चाहिए क्या। तो बंधु बात को समझो, बात की गहराई को समझो। पहला और बेसिक सवाल, सवाल को भी सजा दिए हैं कि ताकि आपको पढ़ने में मजा मिले, मजा आए, एक एक चीज को धीरे 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 ऊपर तक लेके जाएंगे, सजा के लाए हैं। तो ये सवाल NTPC 2021 में आया है और सिंपल सा बात पूछा है कि 0.23 इज एक है, क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब इन चारों के बारे में आपको भाई नंबर का जो आपको हम क्लासिफिकेशन बताए हैं आप उसमें देखिएगा, सबको डिटेल से डील किया गया है वहाँ पे। तो भाई सबसे पहले देखिए नेचुरल नंबर है क्या, तो जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक, क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। होल नंबर जब 0 से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्या है, होल नंबर है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, जिसको PYQ के फॉर्म में ना लिखे, ना लिख पाए, जिसको अंश और हर में ना व्यक्त कर पाए, वही तो इरेशनल है। अब सर रेशनल नंबर क्या है, जिसको हम अंश और हर के रूप में व्यक्त कर पाए, PYQ के रूप में लिख पाए। देखो कितना बेसिक सवाल है, समझना बात को, जो चीज आपको यहां मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग वही बता रहे हैं जो एग्जाम में आया है और जो एग्जाम में आएगा, आप ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा बात है। अब देखो, अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो भाई 0.23 पे बार, भाई बार का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर पे बार है मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये नंबर कैसे था, ये नंबर था 0.23 0.23 0.23 और ये अनंत तक जा रहा। तो भाई इसको रोकने का एक तरीका क्या है कि सर इस पे बार लगा दीजिए। और बार का मतलब क्या है, जितने अंक पे बार है उसके हर में उतना बार 9 लिख देंगे, मतलब इसको हम क्या लिख देंगे, 23/99, ठीक है, 23/99। अब आप देखो 23/99 अंश और हर के रूप में लिख पाए, बोले सर बिल्कुल लिखे, मतलब ये PYQ के रूप में है, बोले है, मतलब ये सर क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो अगर हम नंबर को अंश और हर के रूप में लिख पाए तो वो रेशनल नंबर, इतना ही तो बात पता करना था। बात समझ में आया, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इरेशनल क्या है, रेशनल क्या है, चारों बता दिए, इसका उत्तर बता दिए। बात समझ में, इतना बेसिक सवाल पूछा है, बेसिक सवाल। कहता है कि √3 + √11 का होल स्क्वायर एक है, क्या है, रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है, क्या है, ये है क्या। तो अगर आप सीधा सीधा देखें कि √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, √11 क्या है, इरेशनल नंबर है, भाई इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना भाग भी क्या देगा, इरेशनल ही देगा, यही ना होगा बात। तो देखो इसको ना
सोल्व कर लिया करो, थोड़ा सा तसल्ली के लिए, समझ के लिए। तो अभी हम आपको नेचुरल नंबर बताएं, होल नंबर भी बताएं, और रेशनल भी और इरेशनल भी बताएं क्या है। अब देखो, अगर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ते हैं तो a स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और रूट 11 का स्क्वायर 11 हो जाएगा, 11 और 3 14 हो जाएगा, प्लस 2ab, मतलब 2ab रूट 3 इंटू रूट 11, 11 तीन 33। अब जरा इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, इरेशनल नंबर के साथ आप कोई भी नंबर जोड़िएगा, इरेशनल के साथ आप अगर कोई भी रेशनल नंबर को जोड़ेंगे, इरेशनल के साथ आप कोई भी रेशनल को घटाएंगे, इरेशनल के साथ आप रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई, तो वो बनेगा इरेशनल नंबर ही। मतलब ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई, इरेशनल नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब भागा जाएगा तो वो जाते ही रहेगा जीवन भर, कुछ भी उसमें रिपीट नहीं होगा, कुछ भी पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा भागफल में। जैसे पाई का मान 3.14 हमेशा अलग 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 आते जाएगा, वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछ दिया एनटीपीसी प्यार से कि सर ये बता दो कि रूट थ्री प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर क्या है, और ऐसे कई सवाल आए हैं, ठीक, सिंपल और बेसिक सवाल पूछ दिया है कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 और 7, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या कितनी है। भाई अधिकतर लोग गलत कर देंगे, बोलेंगे सर कि 5 और 6 के बीच, सॉरी 5 और 7 के बीच एक रेशनल नंबर है 6, और आंसर मार देंगे सी, सर ये तो गलत हो गया। कभी भी आपको ये याद रखना है कि दो इंटीजर के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, तो इंटीजर के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, बहुत सारा परिमेय संख्या होता है, इतना होता है कि हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है। तो 5 और 7 के बीच ना अनंत परिमेय संख्या है, कोई भी दो इंटीजर के बीच ना अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत परिमेय संख्या होते हैं जिसका हम लोग, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत परिमेय संख्या होता है दो इंटीजर के बीच। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 5 और 7 के बीच 6 है तो एक ही रेशनल नंबर है, नहीं भाई, अरे भाई 5 और 7 के बीच देखना है भाई, 5.1 भी तो है, 5.2 भी तो है, 5.3 भी तो है, 5.4 भी तो है, ऐसा करके कितना रेशनल नंबर बनेगा हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, उतना रेशनल नंबर बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि दो इंटीजर के बीच हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना लोग यहां पे गलती कर दिया होगा। अब दो संख्या के बीच रेशनल नंबर निकालना भी आपको सिखाएंगे, वहां से भी सवाल आया है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। सवाल को देखिए, आप ना अकबाकाहट में सवाल को कर देंगे गलत, और ये सवाल आपका पूछा है एनटीपीसी 2021 में, लो जी डेट भी लिख देते हैं एनटीपीसी 2021 में, आप जो भी प्रीवियस ईयर सेट आपके पास होगा आप उससे हमारा क्वेश्चन को मिला लेना, सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ है, और आप यकीन मानिए फिर से कह रहे हैं कि इन्हीं सवालों के बीच से आपके सवाल आएंगे, जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाएगा, बट इन्हीं सवालों के बीच से आएंगे, आप ये देखिएगा, ठीक है। तो ये सवाल फिर से आपके सामने है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है 3√5 + √125 / √80 + 6√5 क्या है, 4 ऑप्शन है, रेशनल है, इरेशनल है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है। अब आप कहेंगे सर रूट रूट दिख रहा है तो इरेशनल तो पक्का होगा, मार देते हैं इरेशनल, हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार सॉल्व कर लिया करो, अचार डालने के लिए नहीं दिया, एग्जाम देने जा रहे हो, थोड़ा तो सेंस रखो यार, मेक सम सेंस, थोड़ा सेंस लगाओ, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो, तो ये 3√5 के साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 5, मतलब ये हो जाएगा 5√5, नीचे रूट 80, देखो 80 को हम क्या लिखेंगे, 16 × 5, हमेशा ऐसा बड़ा नंबर को एक स्क्वायर रूट में तोड़ने का कोशिश करो, टूटता है तो ठीक, नहीं तो वो आपका इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। तो 80 को तो हम लिख सकते हैं 16 × 5,
और रूट 16 मतलब 4 रूट 5। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 6 रूट 5 है। अब जी ऊपर देखो तो 3 और 5 8 रूट 5 आ गया, और नीचे हमारा 6 4 10 रूट 5 आ गया। अब देखो ये जो मेन कहानी था ना, रूट फाइव हमारा उड़ ही गया, 8/10 मतलब 4/5 पी वाई क्यू के फॉर्म में आया, ये हमारा रेशनल नंबर बना। समझ रहे बात को? तो ऐसे आपको ना जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा सवाल आया है, कंसेप्ट वाला सवाल आया है, स्टेटमेंट वाला भी सवाल आया है। थोड़ा सा हम लोग रूबरू हो जाए, उसके बाद आपको स्टेटमेंट वाला सवाल दिखाते हैं। कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब क्या है, एक इसमें इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, जिसको हम लोग पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब आप देखो इनको, देखो ये है रूट अंडर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और √25 = 5, ये तो मेरा रेशनल नंबर हो गया। √900 इसको हम सीधा क्या, सर ये 30 इसका वर्गमूल होगा, ये भी हमारा रेशनल है। √125 जैसे ही दिमाग में आया, क्या हम 125 का 2 बराबर फैक्टर कर सकते हैं? नहीं, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 25 × 5 मतलब ये हो जाएगा 5√5. 1200 ये है √12.96. सर अगर ये सिर्फ 1209, अगर ये सीधा मेरा 1296 होता तो हम कहते कि ये 36 इसका वर्गमूल होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट है, मतलब इसका वर्गमूल 3.6 होगा, और ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल, मतलब 5√5 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सर यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि जो √125 है वो एक रेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 हमारा क्या है, इरेशनल है। इसको हम सॉल्व करके पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर के साथ अगर हम कोई भी रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना मिलाते हैं, भाई आता इरेशनल ही है। तो भैया सी हमारा आंसर हो गया, छोटी सी बात है। ऐसे स्टेटमेंट बना के सवाल आपसे पूछ देता है, और ये सवाल है आपका किसका, NTPC 2021, ये भी आपका NTPC 2021 का सवाल है। देखिए कितना ही सवाल आपसे पूछा गया है एक छोटा सा टॉपिक से, रेशनल और इरेशनल से। तो कहता है कि √2 और √3 का गुणनफल है क्या है, कभी परिमेय कभी अपरिमेय, 4 के बराबर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहला बात कि √2 और √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 × √3 तो ये हो जाएगा √6, तो ये तो 4 के बराबर है नहीं, उड़ गया। अब √6 आपको डायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। देखो ध्यान दो, जिस भी नंबर का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, सारा का सारा नंबर हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। जैसे कि √2 √3, √4 नहीं, √4 का हम निकाल सकते हैं, तो √5 √6 √7 √8 √10 फिर √11 फिर √12, ये सारा का सारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में घटा दो, ये रहेंगे इरेशनल ही। तो सीधा शब्दों में समझ लो, इनका बेसिक यही है। छोटा छोटा सवाल आपसे पूछ रहा है, जहाँ पे आपको पेन भी नहीं लगाना है। अगर एक दो सवाल आपके एग्जाम में आ गए तो बोनस है आपके लिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, देख के कंफ्यूजन में जरूर पड़ जाएंगे। कहता है कि 1/2 + √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें। आप कहेंगे सर 2 + √3 तो ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, देखो बनाते हैं कैसे बनेगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, 1/2 + √3 को रेशनलाइज कर देना है 2 - √3 से ऊपर नीचे,
अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई मेरे दो दो का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 गया तो 1। देखो जी 2 माइनस रूट 3 बाय 1, ये p बाय q के फॉर्म में है, ये बना रेशनल नंबर। इस लेवल का सवाल पूछता है रेलवे आपसे, देख रहे TCS क्या चेक करना चाहता है, आपके बेसिक को तो ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल सवाल पढ़ के, एकदम कठिन कठिन सवाल पढ़ के, एकदम मुंह जैसा बना के, एकदम जो है आपका एग्जाम निकल जाएगा। अरे नहीं निकलेगा, पहले प्रीवियस ईयर को लगाओ तब बात बनेगा। पहले जानो कैसा कैसा सवाल आ रहा है तब पढ़ना शुरू करो, पहले पेज पलट के देखो ना भाई क्या क्या आ रहा है, क्या पूछ रहा है। अंदाजी पचे 150 टैबलेट मत खाओ, अंदाजी पचे 150 मतलब AP 150, ये मेरा टैबलेट का नाम है जो बहुत लोग खा के बैठे हैं। अंदाजी पचे 150 मेरे गांव में एक कहावत है, तो AP 150 कभी मत खाओ, पहले जानो। लीजिए ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछ दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख है, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्यूब रूट है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है। इसका 4 बराबर मूल होगा, इसका 6 बराबर मूल होगा, इसका 3 बराबर मूल होगा, कुछ नहीं तो 2 बराबर मूल होगा, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। जितना यहाँ पे पावर लटका हो रहेगा अंदर वाला का, उतना बराबर मूल होना चाहिए, तब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तब हम उसका वर्गमूल मूल निकाल सकते हैं, यही मामला रहता है। अब देखो जी ध्यान दो, अच्छा ये 1 लाख नहीं है 10 लाख है, सॉरी 1 पे 6 जीरो है 10 लाख है। तो क्या हम इसको, देखो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1000 गुना 1000, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा सर, 1000। सर ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया, हमें इरेशनल ढूंढना है। यहाँ पे क्यूब रूट है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100 गुना 100। बोले सर बिल्कुल, मतलब इसका घनमूल होगा 100, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सर ना तो ए ना तो बी, सी में देखो यहाँ पे इसका 6 मूल निकलेगा, तो क्या इसको 10 गुना 10 गुना 10 6 बार लिखेंगे। लो ना भाई एकदम डिटेल में बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा, 1 2 3 4 5 गुना 6, और सीधा साधा तरीका से यहाँ पे 6 है, मतलब इसका 1 मूल 6 10 बाहर आएगा, ये भी तो हमारा रेशनल नंबर है। कौन सा बच गया, डी हमारा इरेशनल नंबर है। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे करनी पे 4 है, ठीक है, तो हम इसको हम क्या लिखेंगे भाई, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 और गुना 100, मतलब ये क्या हो गया सर 10, और यहाँ पे 4 और अंदर 100, इसको हम जो 100 अंदर है इसको हम 4 बराबर मूल में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं, तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर बन गया ना, और डी हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया सीधा। इस लेवल का सवाल पूछता है आपको, अब समझना पड़ेगा, जितना यहाँ पे अंक लटका होगा अंदर वाला का उतना बराबर फैक्टर होगा, कुछ नहीं है मतलब 2 है, मतलब ये स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, 1000 गुना 1000, 1000 को 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख ही तो होगा, 6 ही है ना भाई, ठीक है बात समझना। तो भाई आपका अगर बेसिक रहेगा तभी तो आप जवाब दे पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे। इससे भी तगड़ा तगड़ा सा देखते जाइए कैसा कैसा सवाल पूछता है, ग्रुप डी 2018 में आया, आपके पास जो भी सेट होगा देखिएगा ये सवाल होगा। हम बार बार एक ही बात कहते हैं, हमको अपने मन से सवाल बना के करवाने में थोड़ा सा भी मजा नहीं आता है, क्यों भाई देखो, पहला बात वो मेहनत बेकार है, क्यों बेकार अभी बताते हैं। प्रीवियस ईयर में ही इतना क्वेश्चन आया है और इतना ढंग ढंग का क्वेश्चन आया है, अगर उसी को सजा के कंसेप्ट के साथ पढ़ा दिया जाए तो कोई भी स्टूडेंट को उसके अलावा अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ये बात आप एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इसीलिए हम कोर्स में 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बताते हैं, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, और जो सवाल वहाँ नहीं बताएं बाकी हम प्रैक्टिस में बता देते हैं। तो कोर्स में प्रीवियस ईयर प्लस और अच्छे अच्छे सवाल, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो, प्लस उसके बाद प्रीवियस ईयर अलग से बता दिए, क्या बच गया बताइए, कुछ नहीं बचा, आपका कोर्स क्लियर हो गया, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें फिर से पूछा है कि कौन सा परिमेय संख्या है, तो क्या आप एक बात बताइए कि क्यूब रूट 2 को सोल्व कर सकते हैं? बोले सर नहीं सोल्व करते हैं, नहीं सोल्व कर सकते हैं, ये मेरा इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट 8 को सोल्व कर सकते हैं? बोले बिल्कुल, क्यूब रूट 8 बराबर 2 होता है और 2 माइनस 2 हमारा 0 है, ठीक है, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, ये p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। क्यूब रूट 4 को सोल्व कर सकते हैं? बोले बिल्कुल नहीं सर, ये भी हमारा इरेशनल है। क्यूब रूट 12 को सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, तो भी हमारा आंसर हो गया। कितना वक्त लग रहा है उत्तर देने में? इस और भी भयानक भयानक सवाल आया है, जिसमें आपको चारों ऑप्शन में टाइम देना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को सोल्व करना पड़ेगा। आसान सवाल नहीं आया है, मुश्किल सवाल भी आया।
हो जाए, और हो जाए ये सवाल सेकंड में, इसका आंसर आप कमेंट में डाल दीजिएगा, पेन पेन मत लगाइएगा, ठीक है, भरवली आप इसका कैलकुलेशन करके आंसर डाल दीजिएगा, तुरंत आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो कहता है कि दो अंकों वाली संख्या में अंकों का योग 9 है। अब दो कंडीशन दिया है, मालूम है, पहला है कि डिजिट का सम 9 है, और जब संख्या में 27 जुड़ते हैं तो अंक बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है डिजिट। तो संख्या बोला है कि संख्या ज्ञात कीजिए, करना क्या है ऑप्शन से। तो जब 45 में 27 जोड़ते हैं सर, ये तो ये ना 54 हो जाना चाहिए, तो 7 5 12 और 4 2 6 और 1 7 72 हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। जब 36 में 27 जोड़ेंगे तो ये 63 होना चाहिए, 6 7 13 का 3 3 2 5 और 1 6, जी बिल्कुल बी में ही आंसर हमें मिल गया, 36 में 27 जोड़े 63 हो गया, 3 6 6 3 अंक बदल गए, मतलब वो संख्या क्या है 36 है। बोलो कितना टाइम लगेगा, आप ही बताओ कितना टाइम लगेगा। तो इस टाइप के बहुत सवाल पूछे गए हैं जिसमें आपसे संख्या पूछा गया है। तो फाइनली ध्यान रखिए, सीख लीजिए, याद कर लीजिए, सुन लीजिए कि जब संख्या पूछा जाए, और आपके सामने दो ही कंडीशन रखेगा, ऑप्शन में सेटिस्फाई करवा दीजिएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा वो संख्या होगा और वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। तो देखिए सेम पैटर्न पे है, यहाँ पे संख्या 3 अंकों की है, NTPC 2021 में आया भाई, तो इसमें डिफरेंट कंसेप्ट नहीं रहेगा, तरीका वही रहेगा हमेशा। कहता है कि इन अ 3-डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट इज 18, द सम ऑफ अदर 2 डिजिट इज इक्वल टू द मिडिल डिजिट, इफ द ऑर्डर ऑफ द इफ द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज्ड, द नंबर इज इंक्रीज बाय 297, द नंबर इज व्हाट। 3 अंकों की संख्या में अंकों का योग 18 है और बीच की संख्या अन्य दो संख्या के योग के बराबर है। यदि संख्या का क्रम को उलट दिया जाए तो संख्या 297 बढ़ जाती है, संख्या क्या है। दोनों ऑप्शन को कंडीशन में सेटिस्फाई करवा देंगे। सबसे पहले तीनों डिजिट का सम 18, तो 5 5 10 और 8 18 ये सही है, 4 5 9 और 9 18 ये सही है, 6 3 9 और 9 18 ये सही है, 8 4 12 और 6 18 पहला कंडीशन तीनों में सेटिस्फाई कर गया। अब कहता है कि बीच वाला जो संख्या है उसका योग अन्य दो संख्या के बराबर है, मतलब ये जो 8 है ना भाई, 8 जो 8 है ये बराबर होना चाहिए 5 और 5, तो भाई 5 और 5 10 होता है, तो 10 तो 8 के बराबर है नहीं, ये गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, 5 4 9 9 के बराबर है, ये हो सकता है। यहाँ पे ध्यान दो 6 और 3 9 9 के बराबर है, ये हो सकता है। यहाँ 6 4 10 8 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब देखो दूसरा कंडीशन में दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन बच गया। तीसरा कंडीशन दिया है कि अगर संख्या के अंक को पलट दे तो संख्या 297 बढ़ जाएगा। अब देखो पलटना कैसे है, तो भाई पलटना कैसे है, जो 495 है ये ना, बीच वाला तो अपनी जगह रहेगा, 5 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, ये जो 396 है 9 अपनी जगह पे रहेगा, 3 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। अब आप देख लो कि कौन सा संख्या में 297 लगभग 300 के आसपास बढ़ रहा है, ये संख्या 495 था, पलट दिए तो 594 हो गया भाई, 100 के आसपास ये बढ़ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, सीधा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। अगर मेरा लॉजिक गलत है तो आप बता दो, नहीं तो अगर आप ये मानने लगोगे कि 3 अंकों की संख्या 100Z प्लस 10X प्लस Y है, तो भैया इसमें तो आपका दिन बीत जाएगा। आप पहले लिखोगे कि X प्लस Y प्लस Z का जो वैल्यू दिया है वो 18 दिया है, फिर आप लिखोगे जो बीच का डिजिट है X बराबर है वो Z प्लस Y है, दिन निकल जाएगा इसको सॉल्व करने में। हम जो आपको लॉजिक बता रहे हैं ऑप्शन वाला मेथड, आप आसानी से सवाल को कर पाएंगे, तो इसी बात पर आप वीडियो को शेयर मार देना भाई, तरीका आपको ढंग का बता रहे हैं, इफेक्टिव एकदम प्रभाव डालेगा ये,
प्रभाव डालेगा आपके ऊपर, ठीक है। तो ये जो हम आपको मेथड बता रहे भाई एकदम आसान है, इसी में तो 297 बढ़ रहा है, 396 को पलट दिए तो 693 लिखें इसको। तो भाई देखो पलटने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए। अब कल के डेट में अगर चार अंकों की संख्या देगा तो आप तो गड़बड़ हो जाएगा ना, जैसे कि तीन अंकों की संख्या के अब संख्या के ऑर्डर को पलटना है, तो ये 396 था तो हम इसको ऐसे लिखना चालू करेंगे, पहले 6 को लिखेंगे, फिर 9 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे। देखो ये इसका पलट गया ऑर्डर। अगर कोई चार अंकों की संख्या है 1 2 3 4, अब इसके क्रम को पलटना है तो पहले 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, देख रहे हो। तो ये ऑर्डर भी आपको सीखना होगा, बात समझ रहे हो, एकदम आसान है इस टाइप के सवाल का, जहां पे आपको दो संख्या का अंतर दिया जाता है या दो संख्या का जोड़ दिया जाता है या दो संख्या के वर्गों का अंतर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं, लोड नहीं लेना है, ठीक है। कहता है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 14 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 56 नंबर्स आर, दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो भाई संख्या क्या है। आप इस सवाल को किसी भी तरीका से कर लीजिए, टाइम थोड़ा ही लगेगा, ठीक है। अब जो सीधा सवाल है उसको सीधा देखिए, अब इसमें दोनों संख्या पूछा है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए कैसे। तो भाई दो संख्याओं का अंतर 14 है तो भाई 16 में 2 गया 14, 17 में 3 गया 14, और 9 और माइनस माइनस 5 ये भी होगा 14। देखो बहुत लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, अंतर बोला है ना भाई, तो हम 9 में घटाएंगे माइनस 5, तो ये 9 माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो गया, इनका अंतर 14। माइनस 5 से 9 तक में, माइनस 5 से प्लस 9 तक में 14 का गैप है, वही तो दिया है, ठीक है। तो ऐसे सवाल में गड़बड़ मत होना, ठीक है। अब देखो 23 में माइनस 9 तो भाई इनका अंतर, तो 23 और माइनस माइनस प्लस 9 कितना का होता है सर, ये तो 14 से पार हो गया 31 हो गया, तो भाई डी तो मेरा कट ही गया। पहला कंडीशन में आपका 3 ऑप्शन बचा, एक ऑप्शन उड़ा। दूसरा कंडीशन है कि उनके स्क्वायर का डिफरेंस 56 है, कर दो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 16 का स्क्वायर 256, क्या इनके बीच 4 का डिफरेंस है, तो सर नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और 17 का स्क्वायर हो गया 289, क्या 56 का अंतर है, नहीं, ये भी गया, बच गया आपको ऑप्शन नंबर सी, सीधा आंसर हो गया। करना है चेक कर सकते हो, तो 9 का स्क्वायर आपका 81 और माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, इनका डिफरेंस देख लो तो वह 56 है। तो ऐसे सवालों में आप क्या टाइम लगाओगे और कितना टाइम लगाओगे, टाइम ही नहीं देना है। तो भाई ये था आज का आपका सेशन, तीन चीज हम लोग पढ़े, रेशनल और इरेशनल पे किस तरीका का सवाल आता है, टू नंबर्स पे किस तरीका का सवाल आता है, और टू नंबर्स के डिफरेंस और सम पे देखो इसी तरीका का सिंपल सिंपल सवाल आता है। तो सारा का सारा सवाल ना इसी टाइप का है, कहीं पे दोनों नंबर पूछ दिया है, कहीं पे दोनों नंबर का जोड़ पूछ दिया है, घटाव पूछ दिया, तो भाई वो है भी आसान, कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको ना देखना चाहिए कंप्लीटली। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार टाइप नंबर 4 के साथ, वो आखिरी होगा, सारे के सारे सवाल को लपेट लेंगे, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो भाई पूरा देखना और देखो हल्के में मत लेना आप सेशन को, भले ही ये व्हाइट बोर्ड है, ठोक के कह रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड है, कंटेंट में कमी नहीं है, कंटेंट एकदम बेजोड़ है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।